हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और पुणे में हो रही है हल्की हल्की बारिश और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखिए, सारी धुंध लगी है और सुबह सुबह ना बर्ड की आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है। तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? आज है मेरा बर्थडे, तो आप लोग मुझे विश कर सकते हैं, तो कह सकते हैं मुझे हैप्पी बर्थडे। और मौसम बहुत ही अच्छा है आज। मैं मुझे आए हुए यहाँ पुणे में 2 दिन हो गए हैं और सुबह सुबह का मौसम ना बहुत ही मस्त हो रहा है, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखाती हूँ। और टनकपुर की साइड तो बहुत गर्मी हो रही थी और यहाँ मौसम बहुत अच्छा होने लग गया है। तो चलिए जी, उठ जाते हैं क्योंकि आज सिवेश शायद ही स्कूल जाएगा। कल नहीं गया था क्योंकि हम परसों रात को पहुँचे थे, तो आज सिवेश स्कूल जाएगा, तो लग जाते हैं घर के बाकी कामों में। और आज है कुछ खास, मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बोलिए मुझे। और लग जाते हैं बाकी कुछ काम में, तो मैं कट कर लेती हूँ भिंडी, क्योंकि आज भिंडी बनेगी। शिवेश को भिंडी बहुत पसंद है स्कूल जाने को, शायद सारे बच्चों को पसंद होगी, तो मैंने कहा चलो सब्जी कटवट कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों को उठाएंगे। और मौसम ना बहुत ही अच्छा है, बट देखते हैं शिवेश आज स्कूल जाएगा। वैसे तो स्कूल से ना बुक्स वगैरह लेने भी जाना है हमने, ड्रेस वगैरह। स्कूल ना 12 तारीख से खुल गया था और हम लोग ना मतलब वहीं थे, तो काफ़ी दिन की छुट्टी भी हो चुकी है उसकी, तो स्कूल जाके पता करना पड़ेगा कि क्या क्या है और क्या नहीं, मतलब क्या करना है कब करके। तो आज शायद सिवेश के स्कूल भी जाएंगे हम लोग। वैसे मेरा मन कर रहा है कि मतलब आज सिवेश को स्कूल ना भेजें और मतलब सिवेश के स्कूल चले जाएं सिवेश को लेके, क्योंकि आज सिवेश के पापा की शायद छुट्टी है मुझे लग रहा है। तो अगर छुट्टी होगी ना तो सिवेश के पापा सिवेश के बिना नहीं रहते, तो मतलब पूरा दिन दोनों एक साथ रह लेंगे। तो देखते हैं क्या कहते हैं सिवेश के पापा, उनसे ही बात करनी पड़ेगी कि मतलब साथ में तो स्कूल चले जाते हैं उसको लेके और बाकी फॉर्मेलिटी वगैरह कर लेते हैं। अब तक अब नाश्ता की तैयारी तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं सुरेश के पापा, उसके ऊपर निर्भर होगा सब कुछ। हेलो, देखो सबसे पहले कौन उठ के आया, ये उठ गया, ये मोटा सबसे पहले उठ गया। दद्दा नहीं उठा, ये उठ गया दद्दा बद्दा। अच्छा दर्शु, हैप्पी बर्थडे बोल दो मामा को, खाले हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे मामा। तैयारी करो फिर, यहाँ पे अच्छी वाली खींची करो। थैंक यू बेटा, एक बार और बोल दो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मामा। थैंक यू बेटू। अच्छा अब इसको ना ये कर, ये सबसे पहले उठ गई जैसे से स्कूल जाना हो और शिवेश उठानी है। चाय का टाइम हो गया है और चाय का मजा लेते हैं। Happy birthday to you. Thank you. दर्जू आप क्या कर ले हो? जी। अच्छा दर्जू मेरा फोन दे दो। नहीं। अच्छा छुप, फोन कैसे छुपाते, छुपा दो। देखने कितनी चालाक है, ऐसे छुपाते फोन, बैठ के कैसे छुपाते बताओ, बैठू करके बताओ कैसे छुपाते हैं देखना। उसको पता है ना हम लोग ऐसे करते हैं, वो देखो कहाँ छुपाया, वो फोन के ऊपर बैठ गई, उसे छुपा दिया। मोटू दद्दा कहाँ है? दद्दा अच्छा चलो अभी चाय पीते फिर दद्दा को उठाते हैं। प्यारी करता हूँ, इतना चाला प्याली आला है ये दद्दा, अच्छा नहीं है। अच्छा उड़ है। उड़ नहीं है, पापा अच्छा अच्छा है। नहीं नहीं दद्दा अच्छा नहीं है। बाबा अभी रो आता है, हैप्पी बर्थडे क्या, किसको कह रहे हो हैप्पी बर्थडे? मम्मा। तो मम्मा को प्यारी भी तो करनी पड़ेगी, चुट्टे लाल ये लड़का मुझे प्यार। सिवे आज स्कूल जाओगे? ना। हाँ सिवे, उसकी मैंने छुट्टी करा दी फिर से, स्कूल जाएंगे बट बुक्स वगैरह के लिए पता करने और ड्रेस वगैरह के लिए। तो आप खुश हो? थैंक यू मम्मा। तो दे दिया बाय।